विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर रक्तदान और थैलेसीमिया की बीमारी के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली गई। इसके पूर्व सैकड़ों प्रतिभागियों ने रक्तदान और थैलेसीमिया बीमारी को लेकर पेंटिंग, स्लोगन और कविता जैसी प्रतियोगिता में भाग लेकर जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तो वहीं लोगों को थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए रक्तदान करने का संदेश भी दिया। विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर रविवार को जबलपुर में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी और तमाम सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में थैलेसीमिया बीमारी और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में थैलेसीमिया पीड़ित मरीज और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने जन जागरण रैली के माध्यम से आम लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। इसके पूर्व सिविक सेंटर भारत माता पार्क में चित्रकला, स्लोगन, कविता जैसी प्रतियोगिताएं भी हुईं, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने चित्रकला, स्लोगन, कविता और नाट्य मंचन के माध्यम से लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। करीब करीब 250 बच्चों से अधिक ने यहाँ पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया। बड़ी तन्मयता से बच्चे इस कार्य को कर रहे हैं। रक्तदान से संबंधित पेंटिंग्स भी बनाई जा रही हैं। इन बच्चों को जब ये 18 साल से अधिक होंगे तो इन बच्चों को ये जागरूकता पहले से ही रहेगी कि रक्तदान कितना ज़रूरी है, रक्तदान के क्या फ़ायदे होते हैं, रक्तदान से हम किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं। थैलेसीमिया जनजागरण समिति के तत्वाधान में यहाँ पर एक रैली एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके माध्यम से प्रतिभागियों ने रक्तदान और थैलेसीमिया के ऊपर अपनी ड्राइंग बनाई और लोगों को जागरूक किया कि आप शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर HbA2 की जांच करें। हमारी इस प्रतियोगिता में 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन सभी कार्यक्रमों में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग प्रदान किया।